हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल एक्सप्लेन चैप्टर नंबर 5, शॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। शॉर्टिंग मीन शॉर्ट आउट करना, मीन छांटना। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट ग्रुपिंग बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज रफनेस, लशर, ट्रांसपेरेंसी, सोल्युबिलिटी, फ्लोटेशन, अट्रैक्शन टुवर्ड्स मैग्नेट, कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इस चैप्टर में आज ये सब कवर करेंगे। रफनेस मीन्स अनइवन सरफेस, लसर मीन्स साइन, ट्रांसपेरेंसी मीन्स जो लाइट है वो एक से पार हो जाए दूसरी तरफ, सॉल्युबिलिटी जो चीज़ें वाटर में घुल जाए, सॉल्युबल हो जाए, फ्लोटेशन जो सिंक करे, अट्रैक्शन टुवर्ड्स मैग्नेट जो अट्रैक्शन जो मैग्नेट्स के थ्रू अट्रैक्ट हों, कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, क्लासिफिकेशन। व्हाट इज क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन उसको बोलते हैं जिसे द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटी इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। जैसे आप किसी मॉल में जाते हैं तो वहां पर सबसे अच्छा आपको मिलेगा एग्जाम्पल इस ग्रुपिंग का और क्लासिफिकेशन का। वहाँ पर आप जाएंगे तो एक सेल में बिस्किट रखे होते हैं, दूसरे और हर सेल में अलग अलग सिमिलर थिंग्स रखी होती है। अब उस सिमिलर थिंग्स में जैसे बिस्किट जो है वो ब्रांडेड वाले एक लाइन में होते हैं, जैसे पतंजलि है या बॉर्न ब्रिटानिया है, पार्ले है, तो सिमिलर थिंग्स एक जगह मिलेंगी ताकि हमें ढूंढने में या शॉर्ट आउट करने में प्रॉब्लम ना हो और हमारा टाइम भी वेस्ट ना हो और हम इजिली से किसी चीज को फाइंड आउट कर सके। तो प्लेसिंग और शॉर्टिंग सिमिलर थिंग, सिमिलर मीन्स एक जैसी जिसकी प्रॉपर्टी सेम हो, टुगेदर इज कॉल्ड ग्रुपिंग। ऑब्जेक्ट्स आर मेड ऑफ मटेरियल्स, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो किससे बने होते हैं? मटेरियल से। ऑब्जेक्ट्स आर मेड ऑफ मटेरियल्स, फॉर एग्जाम्पल अ चेयर ऑब्जेक्ट है लेकिन किससे बनी हुई है? वुड। तो वुड आपका क्या हो गया? मटेरियल हो गया। द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। उसके सिमिलरिटी और डिससिमिलरिटी के अकॉर्डिंग उसको हम लोग ग्रुपिंग करते हैं, उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। वी मे ग्रुप थिंग्स इन अवर कपबोर्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, शेप, टेक्सचर, यूज एंड एटसेट्रा। वॉट अदर वेज डू यू यूज टू ग्रुप थिंग्स इन योर कपबोर्ड? जैसे हम अलमीरा होती है उसमें जो फादर के क्लॉथ्स होते हैं वो एक उसमें रखते हैं, एक सेल में, मदर के क्लॉथ्स एक सेल में और बच्चों के क्लॉथ एक सेल में, ताकि हमको शॉर्ट आउट करने में प्रॉब्लम ना हो, हमें हमारा टाइम वेस्ट ना हो। ग्रुपिंग बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, वी कैन यूज सेवरल क्राइटेरिया टू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट वेज ऑफ ग्रुपिंग थिंग्स आर मटेरियल्स बेस्ड ऑन करेक्टरिस्टिक्स सच एस रफनेस, लशर, ट्रांसपेरेंसी, सोल्युबिलिटी, फ्लोटेशन, अट्रैक्शन टूवर्ड्स अ मैग्नेट, कंडक्शन ऑफ हीट एंड कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले रफनेस, रफनेस मीन्स अनइवन सरफेस जिसकी होती है। विथ योर पॉम, पॉम मीन्स हथेली, टच द सरफेस ऑफ द बार्क ऑफ अ ट्री एंड दैट ऑफ ए मिरर। या तो आप किसी अनइवन सरफेस को छुइए वो रफनेस होगी, या मिरर को छुइए जिसमें आप अपना फेस देखते हैं। तो द बार्क ऑफ ट्री फील्स टफ, रफ, अनइवन, बम्पी, एंड अ मिरर स्मूथ। One way of grouping materials is by grouping them as rough or smooth. Examples of rough materials are rocks, sandpaper, coir and bark of tree. एक हम grouping ऐसा भी कर सकते हैं कि जो rough materials हैं या rough objects हैं वो उनको एक तरफ रखेंगे और जो smooth objects हैं उनको एक side में उसकी करेंगे। तो roughness समझ में आया? Uneven surface, आपको ऐसे छूने से, आपको touch करने से roughness अनइवन लगेगा, और जबकि आप मिरर को छुएंगे तो बिल्कुल स्मूथली आप ऐसे
टच कर पाएंगे। एग्जाम्पल्स ऑफ स्मूथ मटेरियल्स आर ग्लास, फ्लावर पेटल्स, सिल्क एंड पॉलिश्ड मार्बल। व्हाट अदर एग्जाम्पल्स वुड यू एडेड टू दीज? क्या आप और भी चीजें बता सकते हैं जो सॉफ्ट मटेरियल्स की हैं? वो आप अपना ट्राई करिए। लशर मीन शाइन। लसर मटेरियल्स दैट हैव अ शाइनी सरफेस आर सेड टू बी लसरस। जिस मटेरियल की सरफेस शाइनी होती है उसको हम लसरस बोलते हैं। जैसे मेटल्स, मेटल्स क्या है, इनका मेटल्स का एक करेक्टरिस्टिक्स क्या है, दे हैव लशर। मेटल्स फॉर एग्जाम्पल गोल्ड एंड सिल्वर आर लसरस एंड देयर फोर यूज टू मेक ज्वेलरी एंड डेकोरेटिव आर्टिकल्स। यू कैन ऑल्सो ऑब्जर्व लशर इन आयरन इन अ फ्रेशली कट आयरन रॉड। जैसे आप देख रहे हैं ये सिल्वर ये और गोल्ड की ज्वेलरी है, तो इन मेटल्स में ज़्यादा शाइनी होती है, इनमें ज़्यादा लशर की प्रॉपर्टी होती है गोल्ड और सिल्वर में, इसीलिए इनसे क्या बनाई जाती है, ज्वेलरी तैयार की जाती है। ये नॉन लशर है, इसमें कोई भी शाइनिंग नहीं है। और क्या एग्जाम्पल्स होते हैं नॉन लशर के, जैसे वुड हो गया, ट्रांसपेरेंसी। मटेरियल्स दैट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम कंप्लीटली आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। फॉर एग्जाम्पल क्लियर ग्लास, एयर, क्लियर वाटर, क्लियर प्लास्टिक्स। मटेरियल्स दैट डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ओपेक। जिससे हम जैसे ये ट्रांसपेरेंट है, अगर हम एक तरफ से देखेंगे, एक साइड से देखेंगे तो दूसरा साइड भी हमको दिखाई पड़ेगा। जो उसके अंदर चीजें पड़ी हैं वो भी देखिए, आप सब देख रहे हैं, इसमें जो पड़े हुए हैं, जो ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं वो आप उनको देख पा रहे हैं। तो इसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट, जो लाइट है वो अलाउ लाइट टू पास थ्रू द कम्प्लीटली, मीन लाइट पास कर गई है एक साइड से दूसरी साइड। फॉर एग्जाम्पल वुड, आयरन एंड रॉक, जो ये अपेक होते हैं, मीन्स वुड है, अगर आप इससे देखेंगे तो कुछ भी नहीं, आपको दूसरी साइड कुछ भी नहीं दिखाई पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लाइट को इसने ब्लॉक कर दिया है, इसकी सरफेस ने लाइट को ब्लॉक कर दिया है। मटेरियल्स दैट पार्शली अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ट्रांसलूशेंट। और जो मटेरियल्स थोड़ा सा, पूरी कंप्लीटली नहीं, लाइट को पास करें उसको हम ट्रांसलूशेंट। जैसे इसमें ये जो पड़ा हुआ है, आप इनको ध्यान से देखेंगे तब दिखाई पड़ेगा, क्लियर नहीं दिखाई पड़ेगा आपको। जैसे इसमें दिखाई पड़ रहा है ये ओपेक है, इसमें लाइट को इसने क्या कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है, इसलिए आप इसको अंदर की जो चीजें हैं उसको नहीं देख पाएंगे, तो उसको बोलते हैं ओपेक। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई, मटेरियल्स दैट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम कंप्लीटली आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। ट्रांसलूशेंट की मटेरियल्स दैट पार्शली अलाउ, पार्शली मीन्स थोड़ा सा, अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ट्रांसलूशेंट। इसका ओपेक, मटेरियल्स दैट डू नॉट अलाउ टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ओपेक। स्टेट, ऑल सब्सटेंसेस कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ थ्री मेन फिजिकल स्टेट्स, जैसे सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। अब हम किसको ग्रुपिंग कर सकते हैं, स्टेट वाइज। और आपको पता है तीन स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड्स दे हैव ए डिफाइनाइट शेप एंड वॉल्यूम, दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, एग्जांपल आर रॉक एंड आइस। आप इसको कंप्रेस नहीं कर सकते हैं सॉलिड्स को। लिक्विड्स दे हैव ए डिफाइनाइट वॉल्यूम बट नो डिफाइनाइट शेप, इनका वॉल्यूम तो डिफाइनाइट होता है पर इनकी शेप जो होती है वो डिफाइनाइट नहीं होती है। दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर दे आर पोर्ड इन, दे कैन ओनली बी कंप्रेस्ड टू अ स्मॉल एक्सटेंट, एग्जांपल्स मिल्क एंड पावर वाटर। इनको कुछ ही, थोड़ा सा ही आप कंप्रेस कर सकते हैं लिक्विड को, जबकि सॉलिड्स को बिल्कुल भी कंप्रेस आप नहीं कर सकते हैं। गैसेस दे डू नॉट हैव अ डिफाइनाइट शेप और वॉल्यूम,
इनका कोई भी शेप और वॉल्यूम नहीं फिक्स नहीं होती है, डिफाइनाइट मीन्स फिक्स नहीं होती है। दे आर हाईली कंप्रेसिबल, और ये हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, तो गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल कंपेयर टू लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। एग्जाम्पल्स आर ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर। अब देखिए सॉल्युबिलिटी के ये क्या है, सारी स्टेट है सॉल्युबिलिटी के हिसाब से। देखें सम मटेरियल्स डिजॉल्व और कंप्लीटली मिक्स विद अ लिक्विड, वेयर एज सेवरल अदर्स डू नॉट डिजॉल्व और मिक्स विद अ गिवन लिक्विड। कुछ मटेरियल्स जो होते हैं वो टोटली डिजॉल्व हो जाते हैं वाटर में या किसी लिक्विड में, पूरी टोटली डिजॉल्व हो जाते हैं, उनको सोल्यूबल बोलते हैं, और जो नहीं होते हैं उनको नॉन सोल्यूबल मटेरियल सब्सटेंसेस बोलते हैं। जैसे इसमें देखिए सॉल्ट और शुगर कंप्लीटली इसमें डिजॉल्व हो गए, उसके पार्टिकल्स आपको नहीं दिखाई पड़ेंगे, लेकिन ये चॉक पाउडर है इसके ये सेटल हो गया है, सेटल डाउन हो गया है, और इसके जो पार्टिकल्स है पूरा आप देख सकते हैं, तो ये नॉन सोल्यूबल है, मीन्स ये वाटर में डिजॉल्व नहीं हुआ है। वो चीज़ें वो मटेरियल्स वो सब्सटेंसेस जो वाटर में डिजॉल्व ना हो उसको हम नॉन सोल्यूबल बोलते हैं या इनसोल्यूबल बोलते हैं, और ये सोल्यूबल मटेरियल्स जो टोटली या कंप्लीटली वाटर में डिजॉल्व हो जाए। सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड्स, तो ये क्या थी सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड, जैसे शुगर सॉल्ट सॉलिड है, चॉक क्या है वो भी सॉलिड है, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स का डिजॉल्व होना। अब एक सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड्स का डिजॉल्व होना, लिक्विड्स दैट डिजॉल्व इन आर गिवन लिक्विड आर कॉल्ड मिजिबल लिक्विड। वो लिक्विड जो जिसको हम डिजॉल्व कर रहे हैं वो भी एक लिक्विड है, और जिसमें हमें डिजॉल्व करना है वो भी एक लिक्विड ही है, तो उनको क्या बोलते हैं मिजिबल लिक्विड, जो आपस में डिजॉल्व हो जाते हैं एक बिल्कुल मिक्स हो जाते हैं, वो हमें दिखाई नहीं पड़ते हैं। जैसे मिल्क आप वाटर में मिला देंगे मिल्क को, तो आपको मिल्क और वाटर बिल्कुल सेपरेट, उसके पार्टिकल्स भी नहीं दिखाई पड़ेंगे, तो मिल्क क्या है मिजिबल लिक्विड्स, आपस में एक दूसरे में क्या हो गया वाटर के साथ बिल्कुल मिक्स हो गया। जबकि ऑयल जो घर में मम्मा सब्जी बनाती हैं जिससे कोई भी वेजिटेबल ऑयल से, तो अगर आप उसको वाटर में मिक्स करेंगे तो वो मिक्स नहीं होगा, और उसकी जो लेयर है वो ऑयल की वो ऊपर आ जाएगी और जो वाटर की लेयर है वो नीचे हो रहेगी, तो ये इमिजिबल इन वाटर। तो ऑयल क्या हो गया इमिजिबल, मिल्क क्या हो गया मिजिबल, मीन्स लिक्विड में मिक्स होना। जैसे वाटर है एक लिक्विड है, इसमें वाटर लिक्विड है, और ये जो मिलाया है जो मिक्स किया है मिल्क वो भी एक लिक्विड है, तो लिक्विड को आपस में मिक्स करने को हम मिजिबल लिक्विड्स बोलते हैं, और जो नहीं होते हैं उनको इमिजिबल लिक्विड्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल केरोसिन, कुकिंग ऑयल्स, कोकोनट ऑयल, पेट्रोल एंड डीजल आर इमिजिबल विद अ वाटर, वाटर के साथ वो मिक्स नहीं होते हैं, इसलिए उनको दीज आर इमिजिबल। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, तो अभी तो आपने सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स पढ़ा था, फिर सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड्स, एंड लास्ट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, मीन गैसेस भी सॉल्युबल होती हैं लेकिन कुछ ही। तो सम गैसेस डिजॉल्व इन वाटर, जैसे कार्बन फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, एरिएटेड ड्रिंक्स हैव कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन देम। ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर इज यूज बाई एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, एक्वेटिक मीन्स वाटर एनिमल्स, ऑर्गेनिजम्स फॉर ब्रीथिंग। गैसेज सच एज हाइड्रोजन हीलियम एंड नाइट्रोजन डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर। कुछ जो गैसेज होती हैं वो वाटर में डिजॉल्व होती हैं, और कुछ गैसेज जो होती हैं वो वाटर में डिजॉल्व नहीं होती हैं। तो वाटर में डिजॉल्व होने वाली हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, और जो नहीं डिजॉल्व होती हैं उनको हाइड्रोजन हीलियम नाइट्रोजन, ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होती हैं। जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं ऑक्सीजन वाटर में डिजॉल्व होती है तभी तो वो ब्रीथ कर पाते हैं, सांस लेते हैं वाटर के थ्रू। अब देखिए मिजिबल विद वाटर इमिजिबल विद, कौन कौन सी जो है वो मिजिबल है, जैसे लेमन जूस ये मिजिबल हो जाएगा इमिजिबल विद वाटर, इसमें नहीं। हनी क्या है मिजिबल हो जाएगा, कोकोनट ऑयल इमिजिबल, विनेगर मिजिबल, विनेगर जो सिरका है वो भी वाटर में टोटली मिक्स हो जाता है।
फ्लोटेशन. हैव यू ऑब्जर्व दैट ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ वुड वुड फ्लोट ऑन वाटर वेयर एज रॉक्स एंड स्टोन सिंक इन वाटर. द प्रॉपर्टी ऑफ सर्टेन मटेरियल्स टू रिमेन ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड इज कॉल्ड फ्लोटेशन. जो वो मटेरियल जो पानी की सरफेस पर तैरती रहे. एग्जाम्पल ऑफ मटेरियल्स दैट फ्लोट ऑन वाटर आर वुड लीव्स आइस एंड फैदर्स. एग्जाम्पल्स ऑफ मटेरियल्स दैट सिंक इन वाटर रॉक्स एंड स्टोन. ये सभी जानते हैं ये सारी चीजें ऊपर क्या होती है पानी के ऊपर तैरने लगती हैं. जबकि रॉक्स या कील लोग डाल देंगे तो वो क्या हो जाएगी शेंक कर जाएगी. राइट. ट्रू एंड फॉल्स. सैंड पेपर इज स्मूथ टू टच. क्या है ये फॉल्स है. सैंड पेपर स्मूथ नहीं होता है. क्लीन वाटर इज ट्रांसलूसेंट मटेरियल. ये भी क्या है ये फॉल्स है. क्लीन वाटर क्या है ट्रांसपेरेंट मटेरियल है. सिल्वर हैज लशर. ट्रू है. हाइड्रोजन डिजॉल्व्स इन वाटर फॉल्स है. हाइड्रोजन वाटर में डिजॉल्व नहीं होती है. वुडन ऑब्जेक्ट सिंक इन वाटर. ये भी फॉल्स है. वुडन ऑब्जेक्ट वाटर में सिंक नहीं करते हैं तैरते नहीं है. मैच द कॉलम. गोल्ड क्या है लशर है. ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व इन वाटर. पेट्रोल इमिजिबल इन वाटर. लीफ फ्लोट्स ऑन वाटर मीन्स पानी के सरफेस पर तैरती रहती है लीफ. सॉर्ट द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर. पेट्रोल क्या है इनसॉल्युबल है. इसको इमिजिबल भी बोलते हैं. इमिजिबल भी लिख सकते हैं इनसॉल्युबल है. शुगर सॉल्युबल है. सॉल्ट भी सॉल्युबल है. चॉक पाउडर क्या है इनसॉल्युबल मीन्स वाटर में वो डिजॉल्व नहीं होगी. अट्रैक्शन टूवर्ड्स अ मैग्नेट. द प्रॉपर्टी ऑफ ए मैग्नेट टू अट्रैक्ट सर्टेन मेटल्स इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म. कुछ मेटल्स को जो मैग्नेट्स होता है वो अट्रैक्ट करता है मीन्स अपने तरफ खींचता है उसको बोलते हैं मैग्नेटिज्म. मटेरियल्स दैट आर अट्रैक्ट टू अ मैग्नेट्स आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स. वो मटेरियल्स जो मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट करें उनको पुल करें पुश उनको मैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं. जैसे आयरन है कोबाल्ट है जबकि वुडन है पेपर है. ये मैग्नेटिक मटेरियल्स ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं. एग्जाम्पल्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स आर आयरन कोबाल्ट एंड निकल. वेयर एज एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स आर वुड पेपर एंड प्लास्टिक. ये आयरन के मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट नहीं होते हैं. कंडक्शन ऑफ हीट. Have you noticed that the cooking pans in the kitchen are made of metals but their handles are made of wood or hard plastics? This is because metals get heated while cooking but their wooden or plastic handles do not, making it easier to handle them. Conduction of heat. देखिए आप ये pan देख रहे हैं ये तो heat absorb करेगा लेकिन जो ये हैंडल है वो हीट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा. तो वो ऑब्जेक्ट जो हीट को एब्जॉर्ब करे उनको बोलते हैं कंडक्शन ऑफ हीट या हीट को कंडक्ट करे. लेकिन ये जो प्लास्टिक है या वुडन का जो हैंडल लगा है या प्लास्टिक का लगा हुआ है ये हीट को कंडक्ट नहीं करती हैं. ये हीट को एब्जॉर्ब नहीं करती है. अगर आप हीट इसके पास में लाएंगे तो ये थोड़ा सा मेल्ट होने लगेगा लेकिन यहाँ पर ये गर्म नहीं होगा पूरे. और जबकि ये पैन पूरी तरह से हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है तो इसीलिए जो ये कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं वो मेटल्स के बनते हैं और जबकि ये हैंडल्स होते हैं पकड़ने वाले वो वुडन के या प्लास्टिक के बनते हैं. क्यों बिकॉज दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ हीट. Materials that allow heat to flow through them are called good conductors of heat. Materials that do not allow heat to flow through them are called bad conductors of heat या insulators बोलते हैं. जैसे ये insulators है.
इसमें हीट का फ्लो नहीं होगा या पूरी तरह हीट, और इसमें क्या होता है पूरा हीट फ्लो करने लगती है, मीन्स पूरे पैन में अब्जॉर्ब हो जाती है। तो ये जो है ये मेटल्स है, ये कंडक्टर है और ये इंसुलेटर है। मोस्ट मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, प्लास्टिक, वुड, क्लॉथ, पेपर, ग्लास एंड एयर आर एग्जाम्पल्स ऑफ बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट या इंसुलेटर ऑफ हीट। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अब इलेक्ट्रिसिटी में देखिए, हैव यू ऑब्जर्व दैट इलेक्ट्रिक वायर्स एंड केबल्स हैव अ प्लास्टिक कोटिंग ऑन मेटेलिक वायर्स। मेटल्स कैन ट्रांसमिट आर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट द प्लास्टिक कोटिंग डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जैसे आप ये देख रहे हैं ये वायर्स जो है ये मेटल्स के बने हुए हैं, इसमें तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रही है, फ्लो करेगी, लेकिन जो ये प्लास्टिक के वायर्स हैं इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी। तो इनको भी प्लास्टिक, और ये क्या है, प्लास्टिक क्या है, इंसुलेटर, जबकि मेटल वायर्स क्या है, कंडक्टर। मटेरियल्स दैट अलाउ द इलेक्ट्रिक करेंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर। तो मेटल्स हैं, ये वायर्स हैं, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, जबकि प्लास्टिक इंसुलेटर है। मटेरियल्स दैट डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक करेंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या इंसुलेटर। फॉर एग्जाम्पल्स, मेटल्स एंड ग्रेफाइट आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वेयर एज प्लास्टिक, वुड, ग्लास एंड एयर आर इंसुलेटर्स। इसीलिए इसकी कोटिंग कर दी जाती है प्लास्टिक की, ताकि जो इलेक्ट्रिसिटी है इसमें प्लास्टिक में पास ना हो। क्यों? क्योंकि ये इंसुलेटर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लशर? सिल्वर। बाकी वुड, प्लास्टिक, ये एयर क्या है, लसर नहीं है, इसमें लसर मीन शाइनिंग, तो सिल्वर में शाइनिंग होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजॉल्व इन वाटर? कौन सा है जो डिजॉल्व होता है? सैंड नहीं डिजॉल्व होता, ये इंसोल्यूबल है। सुगर, वैक्स भी इंसोल्यूबल है, वुड भी, वो फ्लोट करने लगेगा, सुगर। तो कौन सा राइट है? सुगर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिजबल? मिजबल जो वाटर में मिक्स हो जाए, पेट्रोल ऊपर आ जाता है, ये फ्लोट करता है, एल्कोहल, कोकोनट ऑयल, डीजल, राइट है, एल्कोहल, ये टोटली मिक्स हो जाता है, ये ऑयल नहीं होगा, ये डीजल, ये तीनों क्या है, ऑयल्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? कौन सा? मेटल, प्लास्टिक, पेपर एंड वुड क्या है, इंसुलेटर। विच ऑफ दीज वुड गेट अट्रैक्टेड टू ए मैग्नेट? आयन, आयरन नेल। आयरन को कौन अट्रैक्ट करेगा? आयरन नेल, जबकि पेंसिल, वुडन लैडर एंड प्लास्टिक को, ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स है। द बार्क ऑफ ट्री इज रफ टू टच, अगर उसको आप टच करेंगे तो रफ लगेगा। अ लीफ विल फ्लोट ऑन वाटर, अगर आप उसको लीफ को, पत्ती को पानी में डालेंगे तो क्या करेगी, वो फ्लोट करेगी। इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट? कॉपर। कॉपर क्या, इसीलिए कॉपर के वायर बनाए जाते हैं, फिर उसमें प्लास्टिक की कवरिंग कर देते हैं। एल्यूमिनियम इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये भी है राइट, एल्यूमिनियम। निकिल इज अट्रैक्ट टू अ मैग्नेट, निकिल, वुड, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। स्मूथ मटेरियल्स में ग्लास, सिल्क। ओपेक मटेरियल्स वुड, स्टोन, सब्सटेंसेस सोल्यूबल इन वाटर, सुगर एंड सॉल्ट, बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट, वुड एंड प्लास्टिक, कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मेटल्स। मटेरियल्स दैट हैव ए शाइन, लशर, उसको क्या बोलते हैं, वन वर्ड आंसर है ये, लशर बोलते हैं। मटेरियल्स दैट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम ट्रांसपेरेंट। लिक्विड्स दैट डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर, जो लिक्विड वाटर में डिजॉल्व नहीं होते, इमिजिबल बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ ए मैग्नेट टू अट्रैक्ट सर्टेन मटेरियल्स, उनको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिज्म। द फिजिकल स्टेट्स ऑफ विच मटेरियल्स डू नॉट हैव ए डिफिनाइट शेप और वॉल्यूम गैस, इसको बोलते हैं मैग्नेटिज्म। अब ये डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग है। ओके, थैंक यू।